शकरगढ़ में कहीं पे भी पकोड़ों की बात हो तो आप सबके जहन में एक ही जगह का नाम आता है, खिलासपुर का। आखिर इन पकोड़ों में क्या ऐसी खास बात है? आज हम जाते हैं स्पेशली वहाँ पे, विज़िट करते हैं, आपको वहाँ का सारा माहौल दिखाते हैं, उनसे बात करेंगे कि कौन सी ऐसी रेसिपी है जिसकी वजह से तीन नस्लों से जो ये कामयाब तीन पकौड़े हैं, और कौन सी ऐसी बात है कि जिसकी वजह से कोई इसका सानी नहीं है। तो आज मेरे साथ रहिएगा, आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मैं थोड़ा जिहा तुहाडे कोल इहदे हवाले नाल जानना चाहवां कि इहदी जिहड़ी मकबूलीयत दी वजह उह की हैगी आ, किन्ने अरसे तों कर रहे हो तुसीं? जी हुण माशाल्लाह तुसीं यानी कि तीसरी पीढ़ी चल रही ते माशाल्लाह इहदी जिहड़ी मकबूलीयत आ उह सेम उसे तरह ही जिस तरह पहले दिन। ते की मतलब तुसीं समझदे हो कि इहदे च की खास तुहाडे कोल सीक्रेट हैगा? है बाबा जी का ना, इन्हों मैं देखे जिस दौर मैं इतना रहना तुम्हें याद सर कि साल हो ना